जी यहाँ पे डेथ टोल जो है तकरीबन 15 के लगभग है, और साथ में जो इंजर्ड जिसमें माइनर है या मेजर है वो तकरीबन 150 प्लस है। जो बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन में थे उनमें अल्हम्दुलिल्लाह एक बरवक्त तकरीबन सुबह 4 बजे से 5-6 बजे तक एक कार्रवाई हुई, जिसमें एयर एविएशन में आर्मी, FC, मर्क, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट ने फैसिलिटेशन बिल्कुल स्टार्ट की और इनको एयर लिफ्ट करके क्वेटा ले जाया गया, जहां वो CMH और सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बाद में साथ साथ PEDM में भी मोबिलाइज है, चूँकि डिज़ास्टर के हवाले से उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसमें टेंटिंग है, फूड स्टफ है, बाकी सारी चीज़ें हैं जिनको मोबिलाइज स्लोली एंड ग्रेजुअली करना। आपको पता है कि क्वेटा से तकरीबन यहाँ 3.5-4 घंटे का फासला है और रोड की पोजीशन भी थोड़ी ठीक नहीं है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने बरवक्त ये सारी स्पीडी कार्रवाई इसीलिए की, आपने देखा होगा सिविल एविएशन के हवाले से, आर्मी एविएशन की और FC के हवाले से एविएशन यहाँ आपने मौजूद देखी है, जिन और इसी एमरजेंसी के हवाले से थी कि खुदा ना खास्ता अगर बिल्कुल इस चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रेव जाती है तो उसकी सारी सर्विसेज और रिलीफ दी जाए। साथ साथ अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना असेसमेंट कर रही है, जो पार्शियल डैमेजेस घर हैं या फुली डैमेजेस घर हैं, टेंट फैसिलिटीज़ हैं, बाकी चीज़ें हैं, इसमें PEDM ही अपनी करेगी, और साइड अजला से जितने भी हेल्थ फैसिलिटी के हवाले से जो डॉक्टर्स हैं या बाकी जो हमारे कंसर्न हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। सुबह देखा गया कि सुबह दाखिला की जानिब से कहा गया 20 अफराद इस वाके में जी 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 200+ जी, तो इसको जरा ग्राउंड रियलिटीज के इस तो पास अब ऑलमोस्ट ग्राउंड की सिचुएशन ये है कि हम तकरीबन 9 बजे से यहाँ मुख्तलिफ एरियाज में गए हैं, लोगों के पास बहुत से लाइफ फंड्स हैं, उनके प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसको गवर्नमेंट कैसे देख रही है? जी इसमें जो हमने देखे डेथ टोल आपको वो बताई है कि जो बिल्कुल पेरिफेरल में यहाँ पे हुआ है, साथ साथ जैसे जैसे एक्सेस और कम्युनिकेशन या लोग आते जाएंगे, क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी साइट के एरियाज में गए होंगे, जिन लोगों ने अभी तक इतलात नहीं दी है वहाँ भी खदशा है कि कुछ डेथ्स वहाँ भी और लोग ज़ख्मी वहाँ भी हुए हैं, तो जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन आ रही है, बाकायदा PEDM ने एक जो कॉल सेंटर भी हमने क्रिएट किया हुआ है जो पहले से है, उस कॉल सेंटर में लोग अपनी शिकायत भी दे सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, और साथ साथ यहाँ पे भी एक फैसिलिटी कायम की गई है कि इस इन्फॉर्मेशन को और इन मालूमात को ज़्यादा बरवक करके जल्दी से जल्दी बनाया जाए, ताकि इसके हवाले से जो भी काम फर्दर होना है उसको हम करें। बाकी जितनी भी चीज़ें देखें, ये आज का पहला दिन है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शायद इसको 10 से 12 घंटे भी नहीं गुजरें। जैसे जैसे चीज़ों की इतला मिलती जा रही है, गवर्नमेंट की मशीनरीज अपनी फंक्शनैलिटीज़ को बरूकार लाते हुए उनको फंक्शनल कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से इतने शॉर्ट टाइम में और जिस टाइम पर यह वाक़िया हुआ, सारे इदारों ने एक बहुत एफिशिएंट अंदाज में काम किया है, जिसमें FC भी है, आर्मी भी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, हम साहब हैं, और मैं और गवर्नर साहब भी बरवक्त इधर इसीलिए आए कि हम भी अपने आंखों से इन चीज़ों को ज़रा देखें और असेस कर सकें। नंबर 2 शहरों पे हम सफर करके आए हैं जी, हालात जी क्या जारी। देखिए आपको पता होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, एक तो ये जो टेंटी लगाई है कि इसलिए नहीं है कि अंदर जगह नहीं है, ये टेंट लगाने का एक मकसद ये है कि जिलजिले के दौरान फिर बहुत नामुनासिब होता है कि आप अंदर लोगों को रखें। शारा हरनाई के हवाले से मैं कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब ने 4 महीने पहले ही इस रोड का इफ्तिताह किया है, 7.5-8 अरब रुपए का ये रोड है, और इंशाल्लाह ताला जैसे ये 2-2.5 साल में रोड कंप्लीट होगा, हरनाई के लिए, शारक के लिए, खोस के लिए, इन पूरे इलाकों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत होगी, आपके लिए भी होगी, यहाँ के लोगों के लिए भी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, देखिए जी कुछ तो खुद आ रहे हैं, पाकिस्तान के कुछ इदारे वो आ रहे हैं, मैं बड़ा मशहूर हूँ बैतुलसलाम का, उन्होंने फौरन हमें कांटेक्ट किया, वो भी मोबिलाइज़ होने के लिए आ रहे हैं, और साथ साथ इंशाल्लाह पहली तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है कि हर लिहाज से इन सारी चीज़ों को हम खुद पूरा करें, अगर वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा की तरफ जाती या आगे जा सकती है डेफिनेटली हम लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे। जी 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 अब बहुत सारों को देखें जी, जो लोकल PEDM के हवाले से डिज़ास्टर मैनेजमेंट के थे उनको तो बहुत सारे लोगों को तो मिला था,
अगर कोई ऐसा केस है जो बड़ा स्पेसिफिक है जिनके लिए अगर ऐलान हुआ उनको नहीं मिला, यकीनी तौर पर अगर आप हमें बताएं तो डेफिनेटली उसको डीसी भी देखेगा। अदरवाइज डिज़ास्टर मैनेजमेंट में डीसी जो भी केसेस आते हैं वो उनको कंप्लीट करके उनके ऊपर चेक्स भी भेज दिया करते हैं और उनको दे भी दिया जाता है। अपने उन तमाम शहदा को खराज अकीदत के फूल नछावर करना चाहता हूँ, अपनी तरफ से, अपनी तमाम गवर्नमेंट की तरफ से, अपनी आर्मी की तरफ से और एजेंसीज की तरफ से और हमारे जनरल पब्लिक की तरफ से, कि अल्लाह ताला उनको मगफरत, उनकी मगफरत करे, उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील और सब्र अजीम अता फरमाए। आने का मकसद ये था कि मैं और जाम साहब और हमारी साथ आई जी एफ सी साहब हैं मजूखा साहब और उनकी टीम और पी डी एम ए वाले, हमारे रेड क्रिसेंट वाले और इदारे हैं, देख के मुझे ये हौसला हुआ है कि माशाल्लाह से हम बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क, हम हर तरह की तकलीफ़ में इस तरह नागहानी जो तकालीफ आती हैं, ये डिज़ास्टर्स आते हैं, इसमें इंशाल्लाह इसी तरह मिल के इनका मुकाबला करेंगे। इनका तो कोई रोकथाम तो नहीं है। बहरहाल जो इकदाम किए, जो हमने देखे हैं, मुतमईन हैं हम, सेटिस्फैक्ट्री हैं। और जितने इंजर्ड हुए हैं वो तो कुछ जो सीरियस थे वो तो गए हैं, लिफ्ट हो गए, क्वेटा चले गए, ले गए उनको। और जो यहाँ है उनकी पूरी तरह एक तीमारदारी और उसकी निगहदाश्त इनकी हो रही है। तो मुझे ये देख के ये खुशी भी हुई है, हौसला भी हुआ है कि इंशाल्लाह हमारा आने का मकसद भी यही है कि ख़ुद हम देखें कि जिन अशिया की अगर कमी है उन कमी को हम और फौरी तौर पर पूरी करें। वो जो भी हैं, मेडिसिन की हों, खुराकी अजनास की हो, किसी तरह भी कमी इनके लिए हो, ताकि हम अपने ये हरनाई के भाइयों के लिए हर तरह की उनकी मदद कर सकें। और जो इंशाल्लाह हमसे, हमारी गवर्नमेंट से और हमारी तमाम एजेंसी से जो भी मुमकिन है इंशाल्लाह वो हम इनके लिए करेंगे। सर, आप विफाक के नुमाइंदे हैं, आप विफाक के नुमाइंदे हैं यहाँ पे, वजीर आजम की जानिब से क्या रिलीफ पैकेज यहाँ पर फराहम किया गया, उसके बारे में? इंडियन एमए की तरफ से उनके साथ, चेयरमैन के साथ मैंने बात की, उन्होंने C-130 के जरिए कुछ इस तरह के खुराकी अजनास वो भेजे हैं। और इसके साथ साथ जो ये टीम, जो रेस्क्यू टीम है, उनके पास बहुत ज़बरदस्त इक्विपमेंट भी है और टीम भी बहुत ज़बरदस्त है, वो भी भेजी है। और उसके अलावा और भी उन्होंने कहा था कि हमने मेडिकल टीम भी भेजी है और जो हमारे एक्सपर्ट टीम है वो भी यहाँ भेजी है। तो इंशाल्लाह इसी तरह जितने इदारे यहाँ भी काम करते हैं तो इंशाल्लाह मैं तो समझता हूँ ये काफ़ी है इन लोगों के लिए। और हम जो मैं देखे यहाँ DHOs का, जो डॉक्टर्स का, जो मैंने एफ़र्ट्स देखी है, तो मैं तो मुतमईन हूं इंशाल्लाह, और किसी तरह की कमी को हम नहीं होने देंगे और इंशाल्लाह हर तरह से उनको, उनकी मदद हम करेंगे। ये भी आपका चिल्ड्रन वार्ड बन रहा है सर? ये हमारे चिल्ड्रन वार्ड है। हाँ सर, ये बैचलर हमारे लॉज सर, ये बन रहे हैं। अच्छा, ये चुके हैं। अच्छा, चते भी डाली जा चुकी है, तकरीबन 80% काम हो चुका है।